आप सीधे लाइव देख सकते हैं जो दृश्य या जो ऑटो गई है किस तरह नो एंट्री यहाँ जरूर बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन हमारे कैमरे के सामने ही किस तरह लोग यहाँ नो एंट्री में एंट्री करके जा। नमस्कार, ब्रेकफास्ट बाजार में मैं फिर सबका स्वागत करता हूँ। और भले ही ट्रैफिक विभाग हो या जो विभाग के लोग हो, ट्रैफिक की समस्या समाधान करने की जितनी भी मशक्कत क्यों ना करें, कुछ लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आते। और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल, एक जीता जागता उदाहरण लेकर मैं फिर से एक बार आपके बीच उपस्थित हूँ। और सबसे पहले मैं एक बोर्ड दिखा लाना चाहूँगा, मेरे बगल में आप बोर्ड देख सकते हैं और इस बोर्ड के आगे नो एंट्री लिखा है, और इसका अगर ऑपोजिट आप देखने जाए तो वन वे लिखा है। और यह जो डीएम लोहिया रोड है ये वन वे के रूप में जाना जाता है, लेकिन सिर्फ बोर्ड तक ही सीमित है जो यह नियम है, क्योंकि लोग यहाँ जो है वन वे इसे मानते नहीं है, बोर्ड पर उनकी नज़र जाती नहीं है और वे मजबूर है अपने काम करने के लिए, जिसके वजह से यह जो डीएम लोहिया रोड है हमेशा यहाँ ट्रैफिक की समस्या होती है। यहाँ जो लोग आते जाते हैं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो एंट्री के तरफ से जो गाड़ियाँ आती है उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है यहाँ से बाहर जाने के लिए। और इसीलिए यह समाचार लेके आपके बीच उपस्थित है। और एक बार फिर से मैं दिखा लाना चाहूँगा जो पूरा दृश्य है किस तरह का, यहाँ वन वे है लेकिन वन वे होने के बावजूद लोग इसी सड़क पर आते जाते हैं, इसी सड़क पर नो एंट्री में एंट्री करके लोगों को दिक्कत बढ़ाते हैं। भैया आप यहीं पर रहते हैं जी? बोलिए। अच्छा, सड़क तो वन वे है, आपको जब इधर जो वन वे का बोर्ड लगा है, लेकिन यहाँ गाड़ियाँ कितनी आती रहती है नो एंट्री में भी? कितनी गाड़ियाँ नो एंट्री में भी? लगभग 50% जैसे जनरल में होता है उस तरह से होता है। तो बोर्ड लगाने का कोई नहीं, नहीं कोई फायदा नहीं। नो एंट्री में जो गाड़ियाँ इधर से आती है इससे कितनी दिक्कत होती है, जो इधर से एंट्री जो है जिधर से आने की सुविधा दी गई है उधर से आने वाले लोगों को कितनी दिक्कत होती है? ये आसपास जो यहाँ दुकान जो है ना, यहाँ पे जाम काफ़ी लगती है, उसके वजह से जाम यहाँ काफ़ी लगती है, बहुत बहुत समय तक रास्ता बाधित हो जाता है। हाँ हाँ, बहुत काफ़ी दिक्कत। ट्रैफिक विभाग के लोग नहीं आते? हाँ, एक ये भी लिखा गया है, एक धारा भी लिखा गया है, मेंशन किया गया है, जो वायलेशन करने से 2500 रुपये तक का फाइन भी वहाँ दिखाया गया है। जैसे ट्रैफिक विभाग के लोग जो है कि शाम के टाइम में आते हैं, दिन में नहीं रहते हैं वो लोग, फिर भी तो गाड़ियाँ आती हैं। हाँ आती हैं जी। हाँ, और जो ट्रैफिक विभाग के लोग शाम को कुछ समय के लिए ज़रूर आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है चले जाते हैं, और इसी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आसपास के जो दुकानदार हैं मैं उनके पास आऊँगा और थोड़ा उनसे भी जान लेना चाहूँगा कि यहाँ किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भैया आपके पास भी आऊँगा थोड़ा, यह जी बोल रहा हूँ। अच्छा, आपसे जान लेना चाहूँगा, ये तो नो एंट्री है यहाँ, तो नो एंट्री। हाँ, अच्छा, ये नो एंट्री जो बोर्ड लगा है आपको क्या लगता है, जो नो एंट्री का नियम यहाँ के लोग पालन करते हैं? नहीं यार, तो कोई नो एंट्री का नियम बोर्ड तक बोर्ड बना है, लेकिन इस नो वन वे की वजह से जो लोग ज़बरदस्ती इधर आते हैं, यहाँ जो इधर से जो एंट्री दिया गया है लोगों को कितना तकलीफ होता है? बहुत तकलीफ होता है। हाँ, तकलीफ तो बहुत होता है। हाँ, तकलीफ तो होता है, हम लोग को भी होता है। के लोग आते नहीं है और शाम को 6 बजे एक घंटा के लिए आते हैं, मतलब सिर्फ बोर्ड तक ही सीमित बस, कोई ना जी। हाँ, और सिर्फ बोर्ड तक ही सीमित है, सिर्फ एक बोर्ड लगा दिया गया है, और बोर्ड लगा कर ही जो है विभाग के लोग है अपनी जो दायित्व है दायित्व पालन कर लेते हैं, ये समझते हैं वो। अभी आप यही रहते हैं यहाँ पे रहते? अच्छा, ये तो नो एंट्री है ना यहाँ पे, सिर्फ एक तरफ से ही गाड़ी जा सकती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है क्या? बोर्ड यहाँ जरूर लगाया गया है, लेकिन ऐसा होता है क्या? होता है, भीड़ भाड़ हो जाता है ना भीतर में, इधर से तो लोग आते ही है सब गाड़ी हमेशा आते हैं, मतलब सिर्फ एक बोर्ड लगा कर ही नियम पालन किया जा रहा है, कोई इस नियम को देखता नहीं है, सभी अनदेखा करके इधर से ही जाते हैं। आप भी यहीं पर रहते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, ये जो नो एंट्री है कितना तकलीफ होता है? नो एंट्री में लोग गाड़ी लेकर आ जाते हैं, बाइक लेकर आ जाते हैं, इसके वजह से कितना तकलीफ होता है? तकलीफ तो है,
जो विभाग के लोग हैं नहीं आते हैं। तकलीफ तो है सभी का है, लेकिन इसके अंदर कोई जा नहीं पाता है, बस गाड़ी लगाओ खड़ा करो तो वन वे हो गया। उधर नो एंट्री का बोर्ड भी लगा हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी लोग इधर आते हैं। आते हैं, इससे क्या कहेंगे जो प्रशासन के लोग हैं, जो विभाग के लोग हैं, क्या कहेंगे? क्या बोला जाए, आदमी आ ही रहा है, अब देख करके भी अनदेखा कर रहा है तो क्या बोला जाए। जी हाँ, और देख करके भी अनदेखा किया जाता है। और एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि वन वे है जो, और पीछे का जो मैं पूरा दृश्य एक बार दिखा लेना चाहूँगा, ये डीएम लोहिया रोड है, और डीएम लोहिया रोड में एक नो एंट्री का बोर्ड यहाँ ज़रूर लगाया गया है। यहाँ जो है रूल, जो है रूल भी यहाँ मेंशन किया गया है कि किस तरह का रूल है, और अगर यह एक्ट आप वायलेट करते हैं, अगर वायलेशन करते हैं तो आपके खिलाफ 2500 रुपया जो है फाइन भी लिया जाएगा। लेकिन यह जो नियम है या कानून है या जो वन वे का जो बोर्ड लगाया गया है, सिर्फ एक बोर्ड तक ही है जो कानून है सीमित करके रखा गया है यहाँ, क्योंकि यह जो यहाँ का नियम है कोई पालन करता नहीं। और जो विभाग के लोग हैं सिर्फ एक घंटे के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, ट्रैफिक विभाग के लोग, जिससे इस अंचल में जो एंट्री, जो एंट्री करने की जो जगह है वहाँ से जब लोग गाड़ियाँ लेकर आते हैं तो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग इसे अनदेखा करके जाते हैं वो इससे बाज नहीं आते, और इसी वजह से हम आज यह जो समाचार है संग्रह कर जो विभाग के लोग हैं उनके नज़रों में लाने के लिए यह समाचार हमने किया है। और कोशिश करेंगे कि जो विभाग के जो लोग हैं, ट्रैफिक विभाग के लोग, उनसे भी इस बारे में प्रतिक्रिया लें। और आप सीधे लाइव देख सकते हैं जो दृश्य, या जो ऑटो गई है किस तरह नो एंट्री यहाँ ज़रूर बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन हमारे कैमरे के सामने ही किस तरह लोग यहाँ नो एंट्री में एंट्री करके जाते हैं। जो ट्रैफिक विभाग के लोग हैं उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी प्रतिक्रिया लगे, और यह जो पूरा विषय है आगे भी इस पूरे विषय को लेकर और भी लोगों की प्रतिक्रिया हम लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं लूंगा विद्या, अपने साथ बने रहिए, आप देखते रहिए ब्रेकिंग पर समाचार।